कानपुर नगर के एक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा लोक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता में लगभग 120 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक नितेश धवन ने आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दो मूल उद्देश्य थे। एक, हम ये बता सकें कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस तरीके के कार्यक्रम योजनाएं चला रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो रूरल आर्टिजन्स हैं उनको कैसे हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कौन सी योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा यह उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी खादी के बारे में, ग्रामोद्योग के बारे में, रूरल इकोनॉमी के बारे में क्या सोचती है, और इसी को लेके हम लोगों ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया।